नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। शुक्रवार की रात सिर्फ दो लौंग जला दे, यहाँ बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। साथ ही साथ आपके जीवन की सभी परेशानियाँ हो जाएंगी खत्म और माँ लक्ष्मी जी का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। आइए बात करते हैं शुक्रवार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि के चीजों में लौंग का विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वाद और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग के प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपनी किस्मत को बदलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप भी चाहें तो लौंग के ये प्रचलित टोटके और उपाय आजमा सकते हैं। वैसे तो आपको स्पष्ट कर दें कि इन उपायों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, जिन्हें इन उपायों को परंपराओं से आजमाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और शुक्रवार की रात्रि अगर आप ये लौंग के उपाय कर लेते हैं तो अपने जीवन में जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हम तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन सही समय सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता। दोस्तों, लौंग को बहुत ही यानी कि पूजनीय माना गया है। ये पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से सम्पन्न नहीं माना जाता। दोस्तों, जहाँ पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्त यह होती है कि इनको उपायों को जो करें सही माहौल पर करें, सही दिन पर करें। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कतें हों, कैसी भी समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र और भी कई शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान उपाय हैं, जिनको अगर आप कर लेते हैं शुक्रवार की रात्रि तो आप मान के चलिए आपके जीवन की जो भी परेशानी, किसी भी तरह की समस्या से फंसे हैं, रोजगार की समस्या, नौकरी की समस्या, संतान की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या, कर्जों में फंसे हुए हैं, दुश्मनों से घिरे हुए हैं, दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हैं, किसी तरह की दिक्कत है तो दूर हो जाएगी, हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, चाहे वो मान लीजिए धन को लेकर है, संतान को लेकर है, माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति को लेकर है, तो निश्चित तौर पे सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। क्योंकि शुक्रवार के दिन अगर आप लौंग का प्रयोग कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी स्वतः ही आपकी सारी परेशानी को दूर कर देती हैं। शुक्रवार के दिन अगर लौंग का उपाय कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी कृपा पूरे साल बनी रहती है, और यहाँ तक कि एक महीने में भी इसका रिजल्ट देखना आप शुरू कर देंगे, बल्कि कुछ ही घंटों में भी इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। साथ ही इसके प्रयोग करने से बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, लौंग का सबसे पहला उपाय है, घर से आप नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें और घर में लाएं कैसे सुख शांति और समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आप घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने नहीं देना है। इसके लिए आप लौंग का आसान सा यह उपाय आजमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, शुक्रवार की रात्रि आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इनकी अग्नि की लपटें उठने लगे तो आप इसे सभी कमरे में घुमाएं, यानी कि जितने भी घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर इसे घुमाएं, और पूरी तरह से जब यह जल जाए तो इसकी राख जब बचेगी जलने के बाद तो इसे मुख्य द्वार पर आप फैला दें। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा इस राख में यानी कि जल, शुद्ध जल मिलाकर और मुख्य द्वार पर छींटे मार दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर के मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहेगी और आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों के कुंडली में राहु की स्थिति, राहु
केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, वह इनकी दशा में परेशानी अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर शुक्रवार के दिन लौंग का दान करना शुरू करिए। लौंग का दान शुक्रवार के दिन करें तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी उस घर में दरिद्रता, दुख, गरीबी नहीं रहती। साथ ही राहु केतु की जो स्थिति है वो कुंडली में इतनी मजबूत हो जाती है कि राहु केतु स्वतः ही सभी सुविधाएं देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई दान न लेना चाहे तो आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर है या फिर आप अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस उपाय को आप लगातार 11 यानी कि शुक्रवार कर सकते हैं, बहुत ही लाभ मिलेगा और राहु केतु का जो बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। घर में खुशहाली और आनंद के लिए लौंग का पौधा भी आप शुक्रवार के दिन जरूर लगा लें। लौंग की कुछ कलियां अगर साथ में आप अपने रखते हैं, शुक्रवार के दिन रखना शुरू करते हैं तो आपको इतना फायदा होगा। साथ ही आपने अगर यानी कि किसी से जैसे कि उधार वगैरह पैसा ले लिया है, अब आपने किसी से पैसा तो ले लिया लेकिन वो लौटा नहीं रहा, लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो उससे विवाद करने की बजाय लौंग का यह आसान सा उपाय आप शुक्रवार के दिन अजमा सकते हैं, जिससे आपका धन आपको जल्द से जल्द वापस मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार की रात्रि कपूर जलाकर 21 लौंग ले लें और कपूर 21 लौंग और कपूर ये आप माता लक्ष्मी जी को आप यानी कि ध्यान करते हुए हवन कर दें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, अपने जिसको आपने उधार दिया है पैसा आप उसका भी नाम ले लीजिए और जल्द से जल्द वापस पैसा लौटाने के लिए प्रार्थना करिए। इस प्रकार से हवन करते रहिए, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी का स्मरण करने से आपको जल्द से जल्द उधार पैसा भी मिलेगा और शत्रु विरोधी घुटने पर होगा। मान लीजिए अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पति पत्नी में अलगाव बना हुआ है, तो आपको शुक्रवार की रात्रि को शाम को पूजा पाठ करते समय आपको 2 लौंग माता यानी कि लक्ष्मी जी को अर्पित करने शुरू कर दीजिए। लगातार आप शुक्रवार को अर्पित करिए और अगले दिन आप इसे सेवन करिए, पति पत्नी दोनों खाइए। 2 लौंग है तो एक पति और एक पत्नी, दोस्तों इतना प्रेम बढ़ेगा कि आप सोच नहीं पाओगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। मान लीजिए अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा तो इस उपाय को अजमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय आप 2 लौंग अपने मुख पर रख लीजिए और यकीन मानिए जब आप उस जगह पर जाइए वहीं पर अपने लौंग के अवशेषों को मुंह से निकालकर फेंक दीजिएगा। आपके जो यानी कोई भी कार्य होंगे वो जरूर पूरे होंगे और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय को अगर आप करते हैं तो सफलता मिलनी तय है। शुक्रवार की रात्रि आप 5 लौंग ले लें और आप किसी 4 रास्ते पर जाएं, शाम के समय जाएं, रात्रि के समय, और फिर आप 4 दिशाओं में 4 लौंग एक एक करके फेंक दें और 5वीं लौंग को आप आसमान की तरफ फेंक दें और अपनी मनोकामना बोल दें। दोस्तों कैसी भी मनोकामना हो सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शत्रुओं से यानी मुक्ति पाने के लिए आप एक काम करिएगा, आप एक कागज पर यानी लाल कागज हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो सफेद कागज भी लीजिए, उसमें जितने शत्रु हो उतने शत्रुओं का नाम यानी कि स्मरण करके उतने ही लौंग इस कागज पर रख दें और माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार की रात्रि आप अर्पित कर दें। यकीन मानिए लाभकारी यानी कि ये उपाय है। एक उपाय और करें बड़े से बड़े दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, आप क्या करें शुक्रवार की रात्रि आप जितने शत्रु हो उतने ही लौंग ले लीजिए, यानी कि आप चाहे 2 शत्रु हैं तो 2 लौंग लीजिए, 5 है तो 5 लीजिए, और आप कपूर और इलायची लेकर आप घर में जला दीजिए शत्रुओं का नाम लेकर, और फिर आप इसकी राख को कहीं जाकर बाहर फेंक दीजिए। जरूर आपको लाभ होगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।